अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज जो है सीन ये है कि मैं न्यू व्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं इस वक्त जा रहा हूँ अपनी उधर रानी साइड पे, इकबाल टाउन वगैरह वाली साइड पे। तो चलते हैं, अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने थोड़ी सी बाइक सेट करनी थी, वो कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। ये पंप है, मैंने दराज से ऑर्डर किया था, ये काफ़ी यूज़फुल रहा क्योंकि इसकी अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है, अगर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अभी इसकी हमने सिर्फ लगानी है बाइक को, इसको टाइट कर लेना, फूट से यहाँ से आप इसको पंप कर सकते हैं। कर लेते हैं इसको भी, रखना है अपने बैग में। दिस इज अवर सेफ्टी वेपन। ओके, तो जी गाइस अभी करते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए को अलविदा। तो चलते हैं आज के ब्लॉग में, जैसे कि आपने देख लिया होगा कि हम स्पेशली क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम स्पेशली जा रहे हैं, एंड बाकी आपको जाने के बाद दिखाते हैं क्या सीन है और कैसे होगा और क्या नहीं होगा, कितना मज़ा आएगा। ओके, तो अल्लाह हाफ़िज़ फ़िलहाल के लिए, मैं आपको मिलता हूँ बाइक के पास। हाँ जी भाई साहब, तो यहाँ पे हम लोग थे पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल डलवा लिया एंड अभी चलते हैं आगे। तो जी बाबा जी, अभी जो है जो यहाँ पे हमारे इकबाल टाउन में मशहूर है अंडा टिक्की, टिक्कीस एंड अंडा टिक्कीस, वो खाने आए। खान साहब बैठे हुए हैं, सुभान साहब गुड यूट्यूबर, 91 डेथ ब्रो। भैया आप क्या खा रहे हैं? ये के फेमस राइस, चना राइस। जी गाइस, हम यहाँ पे खाने आए हैं, ठीक है। तो मैं भी अभी जो है खाता हूँ अंडा टिक्की, माय फेवरेट, और उसके बाद आपको मिलते हैं, दिखाते हैं आपको उसका जो है। बाबा जी, तो ये आ चुका है, ठीक है, हमारा अंडा टिक्की होके तैयार। जवान ने आपको बनाते हुए भी दिखाया, गर्मा गर्म तवे पे लगे हुए नान, साथ कोक, एंड ये जो है ना, ये ठंडा होने से पहले खाना चाहिए। तो आपको मिलते हैं खाने के बाद। जैसे कि अभी हम नाश्ता के आ चुके हैं, ठीक है, बड़े मज़े का था, घोड़छोट भी है, नीफे का बेस्ट नाश्ता, बड़े मज़े का एंजॉय के साथ, थोड़ी मतलब मज़ा आ गया। अभी अज़ान खान को वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा है। तो गाइस अभी बात यह है कि जो है हमारे पास माइक नहीं था, ठीक है, मेरे पास माइक बिल्कुल नहीं था, वो मैं घर भूल गया। तो अभी मैं आया हुआ था की तरफ, जहाँ पे हम पहले रहते थे उस इलाके में आया हुआ था। तो जो है माइक मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, तो कैंडी आज गुजारा करें, ठीक है। और इस ब्लॉग में अभी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आगे चल के देखिए। तो जी गाइस, अभी जो है हम निकल लगे हैं सटी खाने के लिए, तो अभी चलते हैं, तो आपको दिखाते हैं सटी, जैसा कि आपने सामने इसमें पहले देख लिया होगा। सजी आपको दिखाते हैं
हैं और टेस्ट करके उसका रिव्यू ला भी देते हैं ताकि आप भी यहाँ पे आए और चेक करें। जगह भी मैं बताऊँगा, पहले हम आपको टेस्ट करके खाएँ। ये यार ये देख लें, यहाँ खाने लगे हैं। कैसी है भाई बेटा? बोल जी अबू हाजी मार्केट की। जी गाइस, तो मैं आपको अपना रिव्यू देता हूँ। जी गाइस, मुझे तो लेग वाला सुनने वाला, हम इसके ऊपर थोड़ा सा पहले मसाला डालेंगे, स्पैक्सी बाइट बनाएंगे हम, देन इसके ऊपर हम डालेंगे ये चटनी। और ये चटनी का जो मज़ा है ना, ओए होए होए, चटनी का मज़ा सब्जी में है, ओए होए होए। हैवी ये ले इतनी कोई हैवी है ना। अब आपको हम खाने के बाद मिलते हैं, क्योंकि मेरे से जो है ज़रा भी सब्र नहीं हो रहा। ठीक है, यकीन मान इतना तो कुछ ऐसा ही है ना। ठीक है, इतनी कुछ ऐसा ही है कि जो है ना मैं फुल हो चुका हूँ, लेकिन नियत ही बनी मेरी। ठीक है, फुल हो चुका हूँ। एंड हमने इसलिए से फुल नहीं कराई थी बिकॉज हम खाते रहते हैं, तो हमें पता इस बात का कि फुल नहीं करी जाती, लेकिन जिस टाइम भूख लगी थी उस टाइम मेरा दिल ही कहा था फुल करवा लूँ, लेकिन ना पूछे। और गाइस, अगर आप पूछ रहे हैं कि हम ये कहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ हमने इनका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये सजी का नेम है। ठीक है, और ये बुखारी मार्केट है। बुखारी मार्केट में कैसे बैठे हुए हैं। ठीक है, राइट पे इनके एक बर्गर वाले हैं, वो भी काफ़ी फेमस है यहाँ पे। एंड बुखारी मार्केट में तकरीबन मेन पे ही आप किसी से भी इनका पूछ लेंगे नेम, तो वो आपको बता देंगे। एंड क्लास सजी है इनकी, एंड क्लास। और इनकी जो चटनी है वो तो मैं कहता हूँ उफ, क्या ही बात है इनकी। तो गाइस, अभी हम बिल पे करके निकलते वाली बात करते हैं, फिर आपको भाई जाके बताते हैं। तो जी गाइस, मैं अभी वीडियो एडिट कर रहा था और मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग एंड तो किया ही नहीं। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और जो भी आपके दिल में सवाल है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपने में खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।